हेलो एंड वेलकम बैक। पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने नंबर सिस्टम शुरू किया था, ठीक है। नंबर सिस्टम भी शुरू करके हम लोगों ने चारों नंबर सिस्टम एक एक करके डील किया था, साथ ही साथ उसके कंसेप्ट बिल्ड किए थे और डेसिमल से उसमें या उसमें से डेसिमल में मीन्स बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, इस तरीके के भी कन्वर्जन हम लोगों ने साथ साथ में देख लिए थे। ओके तो ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सेशन में हम लोग डील करेंगे कन्वर्जन्स के साथ, कन्वर्जन इज इन द सेंस बाइनरी टू डेसिमल, वो तो हम लोगों ने देख ही लिया था, है ना। तो हम लोग इस बार देखेंगे डेसिमल टू बाइनरी और फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन, जैसे मैं आपको पिछले बार कहा था फ्रैक्शंस के क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे इस सेशन में। ओके, लाइकवाइज जैसा कि मैं हर सेशन में कर दूंगा, आई एम स्टार्टिंग विद द इंपॉर्टेंट वन एंड आई एंड विद द लीस्ट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। सो इसका क्या मतलब है कि ये जो फिलहाल बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, इस तरीके के जो कन्वर्जन अभी हम लोग देखेंगे स्टार्टिंग से ही, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट इन द सेंस, अगर ये समझ में आ गया तो बाकी के जितने भी कन्वर्जन हम लोग डील करेंगे, हेक्सा टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी एंड लाइकवाइज जितने भी हम लोग कन्वर्जन डील करेंगे, सबका ये एक तरीके से चेन होगा, है ना। मींस अगर ये समझ में आ गया तो वो समझ में आ जाएगा, ये समझ में आ गया तो वो समझ में आएगा, मतलब लिंक्ड है एक दूसरे से, ठीक है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं पिछले कंसेप्ट से जो हम लोगों ने डील किया था। बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करना आता है, बट फिर भी एक रिविजन के लिए मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। चलो, तो पिछले बार हम लोगों ने क्या किया था, 1011 विच इज इन बाइनरी, है ना, बेस टू मीन्स बाइनरी, इसको हमें को कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ठीक है। तो क्या था हमारे पास तरीका, स्टार्टिंग विथ दिस वन, वन इंटू टू टू द पावर जीरो, है ना। यूनिट्स प्लेस को हम लोग शुरू किए टू टू द पावर जीरो से, कमिंग विथ दिस वन टू टू द पावर वन, है ना, इंक्रीजिंग पावर, जैसा हम लोगों ने पिछले क्लास में डील किया था, नथिंग न्यू सो फार। जीरो इंटू टू टू द पावर टू, जीरो से वन, वन से टू, प्लस वन इंटू टू टू द पावर थ्री, ठीक है। ये हमने पिछले क्लास में भी डील किया था, जस्ट एक रिवीजन है, क्विक ओवरव्यू है, जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करते हैं। ये आएगा एट, ये आ जाएगा जीरो, ये आएगा सॉरी यह आएगा टू और यह आएगा वन, ठीक है। ठीक है, 1011 इन बाइनरी इज 11 इन डेसिमल, ठीक है, क्वाइट इजी, पहले भी कर चुके हैं। चलिए, यहां से हम लोग एक नया कंसेप्ट डील करेंगे फ्रैक्शंस का। जैसे कि मैंने आपको पिछले बार ही बोला था, फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं, ट्रिकी इसलिए भी होते हैं क्योंकि हम लोग ज्यादा कंसेप्ट पर ध्यान नहीं देते, ठीक है। स्टार्टिंग से ही हम लोग कंसेप्ट पर ध्यान देते चलेंगे। क्या होगा, 0.1011 इन बाइनरी को हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कोई भी फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने का, जैसे मैं आपको बताया था, कोई भी चीज को डेसिमल में कन्वर्ट करने का एक सिमिलर प्रोसीजर था, है ना। बेस की इंक्रीजिंग पावर से हम लोग इंटू करते जा रहे थे, वैसे ही फ्रैक्शन में भी है, सेम है कंसेप्ट। एक कंसेप्ट अगर समझ गए, है ना, तो सारे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन जो भी होंगे, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ये सब डील हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें एक अच्छा कंसंट्रेशन हम लोग बना के चलते हैं। तो फिर ये क्वेश्चन हम लोग कैसे डील करेंगे, अगेन यहां पर हम लोग क्या करते थे, यूनिट प्लेस से शुरू करते थे ना, 1011 हम लोग यहां से शुरू करते थे। इसमें क्या होगा, हम लोग यहां से शुरू करेंगे, इस वाले वन से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। और इंटू किस तरीके से करते जाएंगे, वन इंटू टू टू द पावर माइनस वन, यहां पे क्या था, 2 टू द पावर 0 से शुरू करते थे, यहां पे हमको शुरू करना है 2 टू द पावर माइनस 1 से। मूविंग ऑन, डीलिंग विथ दिस 0 अगेन, अगर हम लोग माइनस साइन को केयर ना करें तो एक तरीके से ये इंक्रीजिंग है, है ना। माइनस 1 टू माइनस 2 तो डिक्रीजिंग होता है, बट अगर हम लोग माइनस को केयर ना करें तो 1 से 2 तो इंक्रीजिंग होता है ना। सेम 0 से 1 इंक्रीजिंग था, 1 से 2 इंक्रीजिंग था, वैसे ही 1 से 2 इंक्रीजिंग है, जस्ट एक माइनस साइन के साथ। ओके, नेक्स्ट इस 1 से डील करें, 2 टू द पावर माइनस में क्या, 1 से 2, 2 से क्या, 3 कीजिए, प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर माइनस 4, 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, ठीक है। इसको अगर अब ऐड करें तो क्या आएगा,
इसको सॉल्व करना तो सबको आता ही होगा, है ना। 16 इन द डिनोमिनेटर, 8 टाइम्स, 2 टाइम्स एंड 1 टाइम, ये हो गया 11/16, ठीक है, 11/16 इन डेसिमल। आपके पास कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेटर से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, जो कुछ भी वैल्यू आएगी डेसिमल में, सॉरी जो कुछ वैल्यू आएगी डेसिमल में, दिस विल बी आर आंसर, करेक्ट। आई होप समझ में आ गया होगा फ्रैक्शन वाला कंसेप्ट। सिमिलरली विदाउट फ्रैक्शन वाला कंसेप्ट हम लोग ऑलरेडी डील कर चुके थे, है ना। अब एक क्वेश्चन ऐसा डील करते हैं जिसमें हम लोग को दोनों ही मिल जाए, मीन्स फ्रैक्शन भी मिल जाए और डेसिमल भी मिल जाए, है ना। एज आई सेड, स्टार्टिंग के कुछ क्रूशल मिनट्स हैं ये हमारे लेक्चर के, अगर ये समझ में नहीं आता है तो हमको बहुत तकलीफ होगी आगे के लेक्चर समझने में, ठीक है। सब कुछ एक दूसरे से लिंक्ड है, सब कुछ का एल्गोरिदम भी सेम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है क्वेश्चंस में, और आप लोगों को देखोगे तो क्वेश्चन आपको ईजी ही लगेगा। देखो एक बार मैं वापस आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर क्या हुआ। स्टार्टिंग विद दिस वन वी केम विद 0 × 2 to the power, सॉरी स्टार्टिंग विद दिस वन वी स्टार्टेड फ्रॉम दिस, ओके, 1 × 2 to the power 0, 1 × 2 to the power 1, 0 × 2 to the power 2 एंड 1 × 2 to the power 3, इंक्रीजिंग पावर के साथ उसको मल्टीप्लाई करते गए। सिमिलरली यहाँ पे हुआ, बट हम लोग स्टार्ट इस वन से किए, है ना, लेफ्ट वाले वन से हम लोगों ने शुरू किया, यहाँ पर हम लोगों ने राइट वाले वन से शुरू किया था, ठीक है। ऑलमोस्ट एक ब्रीफ आइडिया आप रखें, है ना, डायरेक्शन का एक आइडिया अच्छे से रखें। चलो ये क्वेश्चन है, ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को डील करने से पहले मैं आपको एक अलग कंसेप्ट बताता हूं, मतलब इसको अच्छे से विजुलाइज करने का, यहीं पे आप समझते हैं हम लोग इसको। ये मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, लेट ये जो पोर्शन है ये मैं इसको एक रेफरेंस पॉइंट मानता हूं, ठीक है। अभी क्या होगा, यहां से सारे मैंने शुरू किया 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। वैसे ही इस रेफरेंस के बाद मैंने शुरू किया -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ये क्या एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश कर रहा हूं, एक हम लोग नंबर लाइन पढ़ते हैं ना, तो उस नंबर लाइन में क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में हमको नेगेटिव नंबर्स मिलते हैं, ठीक है, और राइट हैंड साइड में हमको पॉजिटिव नंबर मिलते हैं। बट बाइनरी में या फिर किसी भी नंबर सिस्टम में जो हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, थोड़ा सा उल्टा चलता है ये पैटर्न। देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमको देखने को मिला पॉजिटिव, राइट हैंड साइड में हमको देखने को मिला नेगेटिव, है ना। अगर ये समझ में आ गया, अगर ये समझ में आता है तो ये लेक्चर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, ठीक है। सिर्फ इतना सा हमको समझ के रखना है कि इस तरीके से नंबर लाइन हम लोग चलाते हैं और इस तरीके से इसको एंड करते हैं, ठीक है। मींस लेफ्ट हैंड साइड में -1, -2 चलता है, राइट हैंड साइड में -1, -2 चलता है, और लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स चल रहे हैं, ठीक है। इसी चीज को मैं ये करके यहां पर दिखाता हूं, ज्यादा अच्छे से विजुअलाइज होगा। चलो क्वेश्चन से डील करते हैं। मैं इस वन से स्टार्ट करता हूं, ठीक है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट हां मैं इस वन से स्टार्ट करता हूं, तो क्या होगा, चलो शुरू करते हैं यहां से क्वेश्चन को। 1 × 2 to the power 0, है ना, 500 बार हम लोगों ने ये चीज करके देख ली है, इसमें मेरे हिसाब से तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। 2 to the power 1, 2 to the power 2 power 3 4, इस जीरो से डील करेंगे तो 2 to the power 5, इस वन से डील करेंगे 2 to the power 6, और फिर इस वन से डील करेंगे तो 1 × 2 to the power 7, ठीक है। दिस मच पार्ट विल बी
our integer part. Okay. अब फ्रैक्शन पार्ट से डील करते हैं. फ्रैक्शन पार्ट में क्या होगा, इस वन से शुरू करना है ना. अभी हम लोगों ने देखा नंबर लाइन वाला कॉन्सेप्ट, इस वन से हमको शुरू करना है. ठीक है, वन इंटू टू टू द पावर माइनस में क्या वन प्लस जीरो इंटू टू टू द पावर माइनस में क्या टू प्लस वन इंटू टू टू द पावर माइनस में क्या थ्री. सही है ना. अगर आप लोग इतना कर चुके, अगर आपको इतना समझ में आ गया, तो फिर बचा क्या, सिर्फ कैलकुलेशन बचा है ना. सिर्फ कैलकुलेशन बचा, और कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं. मेरे पास यहाँ पर रेडी रेफरेंस में वैल्यू है, इसलिए मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ 201 प्लस, इसकी वैल्यू मुझे मिलेगी 0.625. दोनों को ऐड करेंगे क्या मिलेगा, 10. कुछ भी नया था, कुछ भी ऐसा जो हमको समझ में ना आया हो, अगर ये चीज समझ में आ गई, ये चीज हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डील किया ही था, अगर ये चीज समझ में आ गई तो ये भी पूरा समझ में आ गया होगा, आई होप है ना. नंबर लाइन वाला कंसेप्ट याद रखेंगे, नंबर लाइन के है ना, जो यूजुअल नंबर लाइन हम लोग कैरी करते हैं उससे जस्ट ऑपोजिट होता है नंबर सिस्टम वाला नंबर लाइन. करेक्ट, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. अगर तो खैर ये था और ये था, आखिरी में दोनों को हम लोगों ने प्लस कर दिया. ठीक है, काफी इजी कंसेप्ट है. आगे बढ़ते हैं, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी है ना. अब आगे डील करेंगे हम लोग डेसिमल टू बाइनरी है ना. बाइनरी टू डेसिमल हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी डील किया था, और अभी फ्रैक्शन वाला नहीं डील किया था, तो फ्रैक्शन हम लोगों ने समझा और दोनों को मर्ज करके क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया. ठीक है, ओके. नेक्स्ट कंसेप्ट है डेसिमल टू बाइनरी का. ये भी अगेन मैंने आपको बोला कि मैं इंपॉर्टेंट चीजें पहले डील करूंगा और लीस्ट इंपॉर्टेंट उसके बाद, है ना, ये सीक्वेंस हम लोग फॉलो करेंगे. जैसा कि पिछले बार, मतलब पिछले कुछ स्लाइड्स में हम लोगों ने देखा बाइनरी टू डेसिमल का क्या तरीका था और फ्रैक्शन से डील करने का क्या तरीका था. बस अगर ये तरीका समझ में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. नेक्स्ट, एक ये डेसिमल टू बाइनरी का कन्वर्जन भी अगर हम लोग समझ जाते हैं, अगेन मैंने आपको पहले भी बोला है हर चीज के 500 कंसेप्ट है, बट हमको हर चीज मगअप नहीं करना है ना. एक डिजिटल सब्जेक्ट का एक छोटा सा नंबर सिस्टम के छोटे से डेसिमल में भी 500 कंसेप्ट आपको मिलेंगे. सब मगअप आप नहीं कर सकते है ना. 12 to 13 सब्जेक्ट हमको डील करने हैं गेट में, तो आपको सिर्फ वही कंसेप्ट समझ के रखना है जिससे आप लोग पेन चलाना सीख जाओ है ना. पेन चलाना सीख जाओ इन द सेंस क्वेश्चन डील करना सीख जाओ. ठीक है, बहुत कुछ एक्स्ट्रा हम लोग को नहीं पढ़ना है. तो ये जो फिलहाल जो मैं कंसेप्ट आपको बताऊंगा डेसिमल टू बाइनरी वाला, सेम डेसिमल से कन्वर्जन करने में हर चीज में सेम कंसेप्ट फॉलो होगा. ठीक है, और एक और चीज, जब भी हम लोग अभी क्वेश्चन डील करेंगे है ना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डील करेंगे, तो उसमें हम लोगों को कोई भी अगर बेस दिया होगा और दो चीज को कंपेयर करना होगा है ना, वो क्वेश्चन में और विजुलाइज होगा. मतलब कहने का मतलब ये है कि डेसिमल वाला जो कंसेप्ट है ना, किसी भी नंबर सिस्टम को अगर हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर जाते हैं तो हमको बहुत इजी पड़ेगा. क्यों, बचपन से ही हम लोग डेसिमल में डील करते रहे है ना. हमारे लिए बचपन से ही 2+3 5 है. जैसे कि बाइनरी में 1+1 10 होता है, बट बचपन से हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा है ना. हम लोगों ने बचपन से क्या पढ़ा है, 2+3 5 होता है. इसीलिए कोई भी चीज को अगर हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर जाए है ना, अगर डेसिमल में कन्वर्ट हम लोग सक्सेसफुली कर लिए, तो हमारे लिए कंसेप्ट इजी हो जाएगा, क्वेश्चन इजी हो जाएगा, विजुलाइज करना और इजी हो जाएगा. करेक्ट है, चलो. सो इस बात को मैं इतना क्यों बोल रहा हूं और क्यों इतना खींचा, इसके पीछे का इंपॉर्टेंस आपको क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो इससे डील करते हैं. चलो, 68 विच इज इन डेसिमल हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है. बाइनरी में क्या होगा, मतलब 10 के कॉम्बिनेशन से हम लोग क्या दिखने को मिलेगा है ना. चलो, एक इसका एल्गोरिदम है हमारे पास इस तरीके से, तो पहले हम लोग एक ड्रॉ कर लें है ना. 68 यहां पे लिख लें, 2 यहां पे लिख लें, जैसा कि हम लोग एलसीएम में करते हैं है ना. 2 क्यों लिखा है, क्योंकि बाइनरी का बेस 2 होता है. अगेन
अगर मैं डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करूंगा तो यहां पर मैं 8 लिखूंगा, अगर डेसिमल से हेक्सा में कन्वर्ट करूंगा तो क्या लिखूंगा, 16, क्यों, क्योंकि बेस होता है 16, ओके चलो 68 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो मेरे को क्या मिलेगा, 39। अच्छा 34 है ना, 2 into 34 will be 68, है ना। रिमाइंडर कुछ मिला, रिमाइंडर कुछ बचा, कुछ भी नहीं, तो मैं क्या लिख दूंगा, रिमाइंडर आप साइड बाय साइड लिखते चलें, रिमाइंडर मिलेगा मुझे 0। अब जिसको ये बात समझ में नहीं आई उसके लिए अलग से मैं आपको बता दूं, अगर मैं 68 को 2 से डिवाइड करूं, है ना, तो कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, 34 टाइम्स में, पूरा 68, और नीचे रिमाइंडर मिल जाएगा मुझे 0। इसी रिमाइंडर की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, सही है। नेक्स्ट अब 34 डिवाइडेड बाय 2 क्या मिलेगा मुझे, 17। अगेन सेम बात कर रहा हूं, रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। जिसको ये बात समझ में नहीं आई उसके लिए फिर से अगेन, मैं इतना इंपॉर्टेंस देख के इसको क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इसका अपना सेल्फ इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो ही आगे समझ में आएगा, है ना। तो 34 डिवाइड बाय 2 17 टाइम्स कंप्लीटली डिविजिबल, आंसर क्या मिला, 0 रिमाइंडर। इसी रिमाइंडर की बात मैंने यहां पे की है, ठीक है चलो मूविंग ऑन। अच्छा ये इंटरेस्टिंग है, ये देखना है, ठीक है, 2 17 को कंप्लीटली डिविजिबल नहीं करेगा, है ना, 8.5 इंटू 2 विल बी 17। मुझे यहां पे चाहिए इंटीग्रल वैल्यू, तो मैं 8.5 एंटर नहीं कर सकता, ठीक है। सो क्लोजेस्ट जिसको 2 डिवाइड करेगा वो क्या है, वो होगा 16, है ना, 17 से क्लोजेस्ट क्या है, 16। मुझे आगे नहीं जाना है, हाँ मैं पीछे आ सकता हूं, आगे नहीं जाना है, ठीक है। कितने टाइम्स में, 8 टाइम्स में डिवाइड कर जाएगा 16 को, तो 2 into 8, ओके। नाउ जो भी रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट मैं बताना चाह रहा था इस चीज से ही वो क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। सेवनटीन डिवाइड बाय 2, 8 टाइम्स में 16, रिमाइंडर 1। रिमाइंडर क्या मिलेगा मुझे, 1। आई होप चीजें क्लियर हो रही हैं, है ना। 17 को 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इंटीग्रल वैल्यू हमको नहीं देगा। सो 2 इंटू 8 इज 16, 17 माइनस 16 इज 1, 1 इज व्हाट, रिमाइंडर। रिमाइंडर हमने लिख दिया बगल में जैसा हम लोग करते आ रहे थे अभी तक, है ना। वन मोर थिंग, एक और बेसिक कंसेप्ट मैं आपको डील करूं, अगर मुझे बताओ अगर मैं किसी नंबर को 8 से डिवाइड करता हूं, ठीक है, किसी नंबर को अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास क्या क्या पॉसिबल रिमाइंडर आ सकते हैं, ठीक है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, ना, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, क्या 8 आ सकता है कभी रिमाइंडर, कभी भी 8 रिमाइंडर आ सकता है क्या, कभी नहीं आ सकता, है ना। वैसे ही जब मैं 2 को किसी से डिवाइड करता हूं तो मेरे को सिर्फ 2 ही रिमाइंडर मिल सकता है, या तो 0 या तो 1, क्यों, है ना, क्या मेरे को कभी 2 रिमाइंडर मिल सकता है क्या, या मेरे को 3 मिल सकता है क्या, 4 मिल सकता है क्या, कभी भी नहीं मिल सकता, कभी भी नहीं मिल सकता। इस बात को अच्छे से याद रखेंगे, जो भी हमारा रेडिक्स है या जो भी हमारा बेस है, हमेशा जो भी नंबर के कॉम्बिनेशन हम लोग उसको बनाएंगे वो उससे कम होगा, है ना, लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए उससे, ठीक है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग इस एल्गोरिथम को फॉलो करके कैसे डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। मतलब जब कभी भी मैं किसी नंबर को 2 से डिवाइड करूंगा तो आइदर 0 मिलेगा या 1 मिलेगा, और वही हमारा बाइनरी का कॉन्सेप्ट कहता है, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं,
8 से डिवाइड करना है मुझे, है ना, सॉरी 8 को 2 से डिवाइड करना है, कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में, कैरी 0, अगेन बहुत बार कर चुके, फिर से करने की कोई नीड नहीं है। 2 टाइम्स में रिमाइंडर क्या, 0, अगेन 2 टाइम्स में रिमाइंडर क्या, सॉरी 1 टाइम्स में रिमाइंडर 0, सही है। तो इससे क्या मिल गया हम लोगों को, चलो अब हम लोग करते क्या है, टॉप टू बॉटम करते हैं, है ना, चलना है हमको बॉटम टू अप, कैसे, नाउ व्हाट इज बॉटम टू अप, ये 1 दिख रहा, 1, देन 0, देन 0, देन 0, देन 1, देन 0, देन 0, सिक्सटी एट इन डेसिमल इज 1000100 इन बाइनरी, है ना। प्रोसीजर समझ में आ गया, क्या किया हम लोगों ने, अगर नहीं समझ में आया तो ठीक है, एक बार फिर से एक फ्रेश क्वेश्चन हम लोग डील करते हैं, ठीक है, और वैसा क्वेश्चन डील करते हैं जिसका हम लोग को बाइनरी ऑलरेडी पता था, है ना, किसका बाइनरी हम लोग ऑलरेडी पता था, 15 का, क्या है 15 का बाइनरी, पिछले क्लास हम लोगों ने डील किया था 15 का बाइनरी क्या था, 1111, है ना। चलो अब इस एल्गोरिथम से करके देखते हैं क्या सच में 1111 आता है, चलो लेट अस ट्राई। क्या था, बेस 2 डिवाइड कर दो 7 टाइम्स, है ना, रिमाइंडर क्या 1, कैसे हुआ ये, 2 7 जा 14, 14 माइनस 15 रिमाइंडर 1, सही है। 3 टाइम्स में अगेन 1, 2 इंटू 3 6, 7 माइनस 6 रिमाइंडर 1, 1 जा रिमाइंडर क्या 1, है ना, क्या किया था पिछले बार, 1 आ गया तो हम लोग स्टॉप हो गए, है ना, क्या होगा अब, कैसे डील करेंगे, अगेन बॉटम से अप, टॉप टू बॉटम है, अब बॉटम से अप जाएंगे लिखते हुए, कैसे, पहले ये 1, फिर ये 1, फिर ये 1 एंड लास्ट में ये 1, 15 इन डेसिमल इज 111 इन बाइनरी, जो हम लोगों ने इससे निकाल के देख लिया, मतलब हमारा कंसेप्ट सही है, है ना, जो तरीका हम लोग फॉलो करना चाह रहे हैं वो सही है, इसका तो यही मतलब है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ है तो वो एक बार वापस वीडियो में जाके देख सकता है, काफी क्लियर स्टेप्स में बताया गया है और काफी इजी, काफी धीरे धीरे रिमाइंडर कैसे आया, क्या कैसे आया, क्यों कैसे बना, सब कुछ क्लियरली शो किया गया है, है ना। अभी भी अगर किसी को डाउट है तो वापस एक बार वीडियो में जाके वो डील कर सकते हैं, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, अगेन फ्रैक्शन वाले कंसेप्ट से डील करते हैं, है ना, ये तो हम लोगों ने डील किया, अगर प्योर नंबर्स हैं, डेसिमल नहीं है तो कैसे डील करेंगे, डेसिमल वाले नंबर्स से कैसे डील करेंगे, अगेन जैसे कि पिछले बार था, एक बार बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी एक बार हम लोग कर लिए, बाकी सब कुछ ईजी है ना, बस बेस चेंज करना है, 2 को जगह 8 कर देना है, बस कुछ भी नहीं है उसके बाद, सिर्फ इतना सा समझ लो, सिर्फ इतना सा कंसेप्ट है, सिर्फ उसी से फिलहाल में हम लोग डील कर लेते हैं, ओके। चलो डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है किसको, एक सॉरी एक डेसिमल में नंबर है हमारे पास, है ना, प्योर नंबर नहीं है, नेशनल नंबर नहीं है, इसको हमको कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, इसका भी एक एल्गोरिथम है, समझ के रखो, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। 0.25 है ना, इनटू कर दो किससे, 2 से, क्यों, क्योंकि बाइनरी का बेस होता है 2, 2 से मैंने इनटू किया, क्या मिल गया मेरे को, 0.50 मिल गया, क्या मिल गया, 0.50, ठीक है। हमको 0.50 से पूरा मतलब नहीं, हमको सिर्फ मतलब है 0 से फिलहाल, ठीक है। अब अच्छा, अगर मान लो मेरे पास कोई नंबर होता और मैं उसको जब इनटू करता 2 से, और मेरे को मान लो 1.50 मिल जाता, एक सपोज करो 1.50 मिल जाता,
ठीक है। तो नेक्स्ट टर्न में भी मेरे को 1.50 को ही इंटू करना था। कहने का मतलब क्या है कि जो भी हमारा प्योर पार्ट होगा, मतलब 1.50, 1 को हम लोग इग्नोर करेंगे और सिर्फ 0.50, मतलब जो पॉइंट के बाद है, सिर्फ उसी को 2 से इंटू करेंगे। आई थिंक आई मेड माई पॉइंट क्वाइट क्लियर विद दिस, ठीक है। अभी 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, उससे केयर नहीं है, बस डेसिमल के बाद क्या आ रहा है उसको केयर करके चलेंगे, ठीक है। 0.50 इंटू 2, ये क्या होगा, 1.00। जब कभी भी डेसिमल के बाद 1.00 मिल गया, मतलब 0.00 मिल गया, या 0.00 या समथिंग एनीथिंग, डेसिमल के बाद बस कोई नंबर नहीं है, मतलब 0.00 है ना, अगर ये हमको मिल गया है मतलब हमारा काम खत्म हो गया। अब 0 और 1 को हम लोग डील करेंगे किस तरीके से, पिछले वाले कंसेप्ट हम लोग क्या कर रहे थे, जब इसको हम लोग चेंज करते थे, है ना, जब हम लोग 68 को चेंज कर रहे थे ऐसे, ये 34 हो रहा था, है ना, रिमाइंडर 0, 17 रिमाइंडर 0, तो हम लोग क्या कर रहे थे, टॉप टू बॉटम चल रहे थे, है ना। यहाँ पर क्या करेंगे, सॉरी बॉटम टू टॉप चल रहे थे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग टॉप टू बॉटम जाएंगे। कहने का मतलब क्या है, ये बाइनरी में 0.012 से रिप्रेजेंट होगा। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया है, है ना। कहने का मतलब क्या है, ये एक तरीका है, बेसिक तरीका, जिससे हम लोग इस तरीके से कन्वर्ट कर लिए, और सिर्फ इसको हम लोग ने ध्यान दिया, मतलब क्या, प्योर पार्ट को सिर्फ ध्यान दिया, उसके अलावा किसी चीज पे हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, है ना। यहां पर हम लोग बॉटम टू टॉप लिखते थे, यहां पर हम लोग टॉप टू बॉटम लिखते हैं, ठीक है। शायद पॉइंट जो है वो मेरा क्लियर हो चुका है, है ना। चलो एक ऐसा क्वेश्चन हम लोग डील करके देखते हैं। जिसमें डेसिमल और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों एक साथ होंगे, ठीक है। रैंडम नंबर, लेट दैट नंबर बी 70.20, ठीक है। दिस वन इज इन डेसिमल, इसको मेरे को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ये नंबर है तो एक, लेकिन तरीका इसका अलग अलग है ना, मतलब 70 को डील करने का तरीका अलग है और 20 को डील करने का तरीका अलग है ना। पिछले बार हम लोगों ने देखा कैसे कैसे अलग है, है ना। चलो पहले हम लोग 70 को चेंज करते हैं बाइनरी में, डिवाइड बाय 2, रिमाइंडर क्या 0, रिमाइंडर 1, है ना। रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 0, अगेन 0, 1 मिल गया, रिमाइंडर मिल गया 0, अपना काम खत्म, है ना। कैसे डील करना था, फ्रॉम बॉटम टू अप क्या मिला, अगेन डोंट कंफ्यूज इट विद द आंसर, ये सिर्फ 70 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है ना। अभी हम लोग को 0.20 को भी डील करना है ना, और फिर फाइनली आंसर में इसको मर्ज भी करना है। चलो 0.20 कैसे डील करेंगे, यहां पे देखते हैं। इनटू क्या, 2, क्या मिला 0.40, केयर किसी करनी है, सिर्फ इसकी 0.40 अगेन, इनटू में क्या मिला 2, केयर किसकी करनी है, सिर्फ इसकी अगेन 0.80,
इंटू क्या 1.60, केयर किसी करनी 1 की। अगेन जिसको पिछले बार ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ था उसके लिए मैं बता रहा हूँ, 1 मेरे को मिल गया, बट मैंने क्या बोला था, सिर्फ मेरे को डेसिमल के बाद वाले पार्ट की परवाह करनी है जब मैं 2 से इंटू करूंगा, है कि नहीं। नेक्स्ट 0.60 इंटू 2, आई होप किसी को ये डाउट नहीं होना चाहिए कि मैंने 1.60 को इंटू क्यों नहीं किया। एक जनरल आप बात समझो मेरा, अगर मैं 1.60 को इंटू 2 कर दूं, है ना, 1.60 इंटू 2 कर दूं, तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा, राइट मेरे को आंसर मिलेगा 3.20। अब बाइनरी में कभी 3 आ सकता है क्या, अगर बाइनरी में कभी 3 आ सकता है क्या, जनरल नहीं है, बिल्कुल नहीं आ सकता। तो मेरे को सिर्फ डेसिमल के बाद वाली वैल्यू को ही डील करना है, मतलब क्या, मेरे को सिर्फ 0.60 इंटू 2 करना है। नाउ आई होप कि सबको पॉइंट क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द क्वेश्चन। ये हो गया 1.20, अगेन क्या डील करना है, सिर्फ 0.20। अच्छा अगेन यहां पे क्या हो गया, 0.20 इंटू 2 हम लोग एक बार कैलकुलेट कर चुके थे ना, घूम फिर के मेरे को फिर से 0.20 इंटू 2 मिल गया, है ना। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, काफी ध्यान से सुनना, क्या होता है हम लोग जब क्वेश्चन से डील कर रहे होते हैं ना, तो हम लोग को कभी कभी डेसिमल में ऐसा नंबर मिल जाएगा जो हो या जो 0.00 नहीं देगा, ठीक है, या ऐसा नंबर मिल जाएगा जो टर्मिनेट ही नहीं होगा। मान लो ऐसा भी कोई नंबर हो सकता है जो हमको मिल जाए जो वापस मेरे को रिपीट करके 0.20 into 2, मतलब क्या, जिससे मैंने शुरू किया था वही मेरे को एंड करके ना मिले, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में क्या करना है कि हम लोग को अपने सूझबूझ के हिसाब से क्वेश्चन को समझ के कितने बिट्स में आंसर करना चाहिए उतना करना, है ना। मैं चाहूं तो मैं वापस इसको रिपीट करता हूं, मतलब 0 0 1 1 0 देन अगेन 0 0 0 1 1 ऐसे करके मैं वापस इसको रिपीट कर सकता हूं अप टू जितने भी बिट्स, मैंने आपको पिछले बार बताया था, है ना, कि अगर मेरे को 15 रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या लिखता हूं 1 1 1 1, मतलब क्या 4 बिट लगे, बट ये मिनिमम में 4 बिट लगे ना, मैक्सिमम में तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, मतलब 0 0 0 0 0 देन 1 1 1 1 1, तो ये बिट्स बढ़ गए मेरे। सिमिलरली यही कंसेप्ट है यहां पे, कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा ट्रिकी आई नो, बट फ्रैक्शन में डील करने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो लोग फेस करते हैं वो यही है कि मेरे को टर्मिनेट कब करना है, है ना, मेरे को टर्मिनेट कब करना है, लोग इस पे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। इसका एक थंब रूल मैं आपको पहले बता चुका हूं, आइदर इट शुड टर्मिनेट विथ, लेट मी राइट दिस फॉर यू, आइदर इट शुड टर्मिनेट विथ 0.00 और दूसरा हम लोगों ने क्या देखा, आइदर द स्टार्टिंग पैटर्न रिपीट्स इटसेल्फ, आइदर इट शुड टर्मिनेट विथ 0.00 और द स्टार्टिंग पैटर्न स्टार्ट्स टू रिपीट। यहां पे क्या हो गया, ये पैटर्न रिपीट होना शुरू हो गया, है कि नहीं। तो मेरे आंसर जो होंगे उसमें मैं सिर्फ इतने को ही इंक्लूड करूंगा, है ना, और इंक्लूड भी कैसे करते हैं, टॉप टू बॉटम, है कि नहीं। तो मेरे को यहां से मैं इसको इरेज कर सकता हूं, है ना, और मेरे को आंसर क्या मिल गया, आंसर मेरे को मिल गया 0 0 1 1, ऑफ कोर्स आफ्टर अ पॉइंट डेसिमल, ठीक है। अच्छा 70 को अलग से डील किया, 0.20 को अलग से डील किया, आंसर में मैं क्या लिखूंगा, है ना, आंसर में मैं क्या लिखूंगा, तो मैं आंसर में लिखूंगा 0.0011। आई होप अब ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा, है ना।
आधे से लगभग आधा घंटा हो चुका है इस लेक्चर में, और इतना ज्यादा टाइम लेके किसी चीज को एक्सप्लेन क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है ना। आगे बहुत क्विकली हम लोग मूव ऑन करेंगे इसीलिए, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया है आगे भी समझ में आ जाएगा, है ना। कैसे, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बाइनरी टू ऑक्टल, ठीक है। इसमें भी एक ही कंसेप्ट है, बहुत प्यारा सा छोटा सा कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट समझने के पहले मैं आपको एक जनरल थ्योरी देता हूं, ठीक है। जनरल थ्योरी क्या है, बाइनरी बेस क्या होता है, बाइनरी का होता है बेस टू, है ना। इसी चीज को मैं लिख सकता हूं क्या, टू टू दी पावर वन, बिल्कुल। ऑक्टल, ऑक्टल का बेस क्या होता है, टू टू दी पावर थ्री लिख सकता हूं क्या। हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है, 16, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, टू टू दी पावर फोर, फोर लिख सकता हूं ना। बस अभी इतना ध्यान में रखो कि हम लोग इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो बाइनरी से ऑक्टल जाने में इसका कुछ तो यूज होगा, क्योंकि अगर इसके बेस के पावर में अगर मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं, कुछ तो अलग तरीका है मेरे पास, क्या है वो देखते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग विथ द राइट मोस्ट बिट, राइट मोस्ट बिट, मैं इसका तीन तीन का पेयर, वो तीन तीन का ग्रुपिंग करूंगा। कैसे, इन तीन का एक ग्रुप, ठीक है, इन तीन का एक ग्रुप, और मेरे पास ये तीन नहीं है ना, तो मैं यहां पर एक जीरो ऐड करूंगा, ठीक है, और इन तीन का एक ग्रुप बनाऊंगा। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं पैडिंग, क्या बोलते हैं, PADDING, पैडिंग। तीन ग्रुप्स मेरे पास बन गए, है ना। अब मैं इसको इंडिविजुअली अगर लिखना चाहूं, स्टार्टिंग विथ दिस, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं डेसिमल में, तो ये क्या है मेरे पास, दिस इज थ्री, है कि नहीं, दिस इज फोर, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज सेवन, और यही कुछ और नहीं बल्कि बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करने का एक सिंपल सा छोटा सा तरीका है। कुछ भी था क्या इसमें, अगर ये समझ में आता है कि हम लोग इसको किसके पावर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो बस कुछ नहीं करना है, ग्रुपिंग करनी है, ग्रुप कर गए हम लोग, है ना। चलो ये थोड़ा छोटा क्वेश्चन था, हो सकता है नहीं समझ में आया हो, ये बड़ा क्वेश्चन है, इसको डील करते हैं, ठीक है। अगर ये आप लोगों ने ले लिया है स्क्रीनशॉट, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन से डील करते हैं ना, इस क्वेश्चन को पहले तो हम लोग लिख लेते हैं। है ना, अगेन सेम थिंग, क्या सेम थिंग भाई, ग्रुपिंग इसकी, ये सॉरी, इस जीरो से यहां तक, है ना। तीन तीन की ग्रुपिंग है, कुछ भी एक्स्ट्रा, अगेन पैडिंग करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि हम लोग के पास ये कंप्लीट नहीं होगा, ये ट्रिपलेट और इनका एक ग्रुप, ठीक है। इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, क्या मिलेगा, थ्री जीरो फाइव टू टू एंड वन, है ना। कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं, प्यार से आराम से डील हो गया क्वेश्चन, क्या मिल गया फाइनली, किसमें, ऑक्टल में।
आई होप ये भी क्लियर हो चुका है। कुछ भी नहीं करना है, बाइनरी से ऑक्टल में क्या करना है, तीन तीन की पेयरिंग करनी है, कहां से, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। आखिरी में अगर पेयरिंग नहीं हो पा रहा तो क्या ऐड करना है, जीरो। मान लो ये क्वेश्चन में मेरे पास ये वन नहीं होता, मतलब सिर्फ ये वन होता, सिर्फ इतना ही होता क्वेश्चन, तो मैं क्या करता, इसके टिप्लेट बनाने के लिए मेरे को कितना जीरो ऐड करना पड़ेगा, दो, है ना, कॉमन सेंस की बात है। तो ये चीज हम लोग को समझ में आनी चाहिए, ठीक है। सो बाइनरी टू ऑक्टल आई गेस लोगों को हो गया होगा। आगे चलते हैं, ऑक्टल टू बाइनरी। अच्छा, पीछे क्या किए हम लोग, पीछे क्या किए, सिर्फ पेयरिंग, सिर्फ ट्रिपलेट्स का ग्रुपिंग किए, है ना, तो उसका उल्टा क्या होगा, तीन तीन बिट में इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, मतलब इंडिविजुअल नंबर्स को, सेवन को, सेवन को, सेवन को, सेवन को, है ना। कैसे, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, सेवन को बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस सेवन को कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे और इसको कैसे करेंगे, दिस इज नथिंग बट योर रिप्रेजेंटेशन इन बाइनरी फॉर 777 इन ऑक्टल, ठीक है। जैसे मैं आपको बोला, अगर पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है तो दूसरा कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से हम लोग कवर करते चलेंगे, ठीक है। स्पीड मेंटेन करना भी जरूरी है, आप लोग को बोरिंग नहीं लगने चाहिए लेक्चर। तो कुछ भी पॉइंट इसमें नहीं था जो आपको समझ में नहीं आया होगा, ये क्लियर हो चुका है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसका अगर फ्रैक्शन दिया हुआ है और उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना, तो क्या करेंगे, अगेन सेम थिंग, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल बेसिक है, कुछ भी एक्शन नहीं करना है ना, जो यहां पे किए वही यहां पे करना है ना, कुछ ऐसा नहीं कि इनटू करना है किसी चीज से, कुछ भी ऐसा नहीं है। पहले फाइव को कैसे लिख सकते हैं, सिक्स को कैसे लिख सकते हैं, सेवन को कैसे लिख सकते हैं, आफ्टर अ पॉइंट सिक्स को कैसे लिख सकते हैं और टू को कैसे लिख सकते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा, कुछ भी नया, बिल्कुल नहीं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं था, पीछे हम लोगों ने क्या किया था, तीन तीन के ट्रिपलेट्स बनाए थे, यहां पे क्या किया, तीन तीन बिट में रिप्रेजेंट किए एक इंडिविजुअल नंबर को, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था, फ्रैक्शन से भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, फ्रैक्शन से भी सेम लॉजिक हम लोगों ने फॉलो किया है ना। चलो क्विकली आगे बढ़ते हैं। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, अगेन मैंने आपको वहां पर क्या बताया कि हम लोग 16 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, भाई ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे हम लोग ऑक्टल को कर रहे थे, है ना। ऑक्टल की पूरी कहानी हम लोग देख के आए, क्या हुआ ऑक्टल में, भाई ऑक्टल में ऐसा हुआ, अगर 2 to the power 3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो तीन तीन के ट्रिपलेट्स बने, है ना। वैसे ही अगर हेक्साडेसिमल को हम 2 to the power 4 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो चार चार का ग्रुप बनेगा, है ना, फेयर इनफ, बिल्कुल सेम कंसेप्ट, कुछ भी नया नहीं, क्या करना है, कुछ भी नया नहीं करना है, 1 1 1 0, है ना, और 0 1 1 1, दिस इज इन बाइनरी, इसको हम लोग कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, क्या करेंगे भाई, चार का ग्रुप, अगेन चार का ग्रुप, इंडिविजुअली इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 8 plus 4 12 12 plus 2 14 14 14 14 को हम लोग हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, जैसा मैंने आपको बताया था इसके बारे में, है ना, कि आपको ये याद करना पड़ेगा, 14 को हेक्साडेसिमल में ई लिखते हैं, 7 इज नथिंग बट 7 एंड दिस इज नथिंग बट योर कन्वर्जन, है ना, मतलब क्या, कन्वर्टेड टू वॉट, हेक्साडेसिमल, अगेन मेंटेनिंग द सेम पेस, कुछ भी नया नहीं था, वहां पर तीन का ग्रुप था, यहां पर चार का ग्रुप होगा, है ना। नेक्स्ट, अब हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, फिर वही चीज, कुछ नया करना है क्या, कुछ भी नया करना है, इंडिविजुअल नंबर्स को, मतलब थ्री को अब मेरे को चार बिट में रिप्रेजेंट करके देना है, ठीक है, सिर्फ चार बिट में, थ्री में क्या हो गया, ऐसे लिख सकते हैं थ्री को, फोर को कैसे लिख सकते हैं, एफ, एफ मतलब क्या, एफ मतलब 15,
15 को बाइनरी में याद, आपको ये याद करना पड़ेगा जैसा मैंने आपको पिछले क्लास में बताया है, ठीक है? ठीक है, चलो क्या है ये 3-4F ऑफ इन हेक्साडेसिमल का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है ये। कुछ भी एक्स्ट्रा, कुछ भी नया जो हम लोग इतने दो क्लास में डील करते करते आ गए, कुछ भी नया है इस सेशन में? बिल्कुल भी नहीं। जो मेहनत थी पहले के दो तीन स्लाइड्स में थी, समझने में, समझाने में, कंसेप्ट देखने में, आगे जाके बिल्कुल क्विक है ना। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में क्या किए, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में क्या किए, चार चार का ग्रुप बनाए। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में क्या किए, जो भी हमारे पास इंडिविजुअल नंबर थे उसको हम लोगों ने चार चार बिट में रिप्रेजेंट कर दिए, गेम ओवर, है ना। आगे अच्छा, डेसिमल से ऑक्टल, अगेन डेसिमल से बाइनरी अगर याद है, अगर डेसिमल से बाइनरी याद है तो डेसिमल से ऑक्टल भी कुछ बड़ा बात नहीं है, है ना। कैसे, अगेन नाउ प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि मैं सब कुछ सॉल्व करके दूंगा आपको, ओके। आई एम हियर कि आपको कंसेप्ट समझ में आए और आपको क्वेश्चन है पेंच जाना आ जाए, है ना। नेक्स्ट क्लास हम लोग डील करेंगे क्वेश्चन के साथ। अगेन आपको मैं क्या बोला था, अगर डेसिमल से समथिंग एल्स में मेरे को कन्वर्ट करना है किसी में भी, तो उसके बेस से हम लोग डिवाइड करते चलेंगे, रिमाइंडर को बगल में लिखते चलेंगे। जैसे मैंने आपको पिछले बार बताया था, अगर किसी नंबर को मैं 8 से डिवाइड कर दूं तो इसका रिमाइंडर मेरे को 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 ही मिल सकता है, 8 नहीं मिल सकता, है ना। सेम कंसेप्ट यहां पर हम लोग यूज करेंगे। रिमाइंडर वन, है ना, ये है करेक्ट। अगेन डिवाइड बाय 8, क्या मिला रिमाइंडर, क्या मिला, करेक्ट है। अगेन आप चाहें तो 161 ऐसा भी लिख सकते हैं, और मैं ये क्या बताने की कोशिश करूंगा, 80 टाइम्स में 0 आएगा और रिमाइंडर जो ये है वो यहां पर आ जाएगा, है ना, कुछ नया नहीं है। अगेन फ्रॉम बॉटम टू टॉप लिख देंगे 161, क्या मिल गया भाई ऑक्टल में 161। ठीक है, सो 177 इन डेसिमल इज 161 इन 8। अच्छा, हो सकता है आंसर गलत भी हो सकता है ना, तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है, वेरीफाई करने का तरीका हमारे पास है, ठीक है। तो फिलहाल आंसर क्या करेक्ट है या आंसर क्या गलत है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि क्या कंसेप्ट समझ में आया। कंसेप्ट ये है ना, इसमें अगर कैलकुलेशन मिस्टेक किसी का हो भी सकता है, उस पर प्रॉब्लम देने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट मास्टर योर कंसेप्ट एंड देन मास्टर योर कैलकुलेशन, ओके। कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास कैलकुलेटर है, आपको उसकी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, करेक्ट। चलो सेम चीज था, वहां पर हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे थे, जब हम लोग को डेसिमल टू बाइनरी करना था, डेसिमल टू ऑक्टल करना था, तो क्या किए, 8 से डिवाइड किया। सिमिलरली अगर मैं फ्रैक्शन से डील करूं, क्विकली जल्दी से जल्दी चलो इससे डील कर लेते हैं, है ना। तो मेरे को क्या देखने को मिल जाएगा, अगर बाइनरी वाला कंसेप्ट याद है तो इसको डील कैसे किए थे भाई हम लोग बाइनरी में। मान लो मेरे को बाइनरी में कन्वर्ट करना होता तो मैं क्या करता, 0.523 × 2 करता, जो कुछ भी आंसर आता इसके बाद या इसके बाद, ये जो भी पोर्शन होता उसको मैं अगेन 2 से इंटू करता और ऐसे लिखते जाता और फ्रॉम टॉप टू बॉटम इसको लिख देता, है ना, बस यही था। सिमिलरली यहां पे क्या यूज करना है भाई, यहां पे हमारा बेस 8 होगा क्योंकि मेरे को ऑक्टल में चेंज करना है, क्या होगा 0.523 × 8, है ना। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर से, मेरे पास रेडी रेफरेंस है तो मैं इसको लिख देता हूं, 4.184 आएगा। अगेन सिर्फ इसकी केयर करनी है फिलहाल में, 0.184 × 8 से
अगेन कैलकुलेटर से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, मेरे पास यहाँ पर आंसर है 1.0. ओके आई गेस इसमें 1.472 आएगा, ठीक है। आप लोग एक बार इसको वेरीफाई कर सकते हैं ना कैलकुलेटर से, अगेन मेरे को क्लियर करना है 0.472 का इनटू क्या 8, इसका आंसर क्या आएगा भाई, इसका आंसर आ जाएगा 3.776। नेक्स्ट क्या 0.776 इनटू 8, जो कुछ भी आंसर आएगा यहाँ पर आप लिख सकते हो, है ना। एंड इट कैन मूव सो ऑन। टर्मिनेशन की दो कंडीशन मैंने बताई है, या तो वो आप यूज कर सकते हैं, या तीसरा कंडीशन ये कि आप सम बिट्स तक आंसर दें, है ना। जैसे मेरा मन है कि मैं आपको सिर्फ इतने बिट्स तक आंसर देना चाहता हूँ, मतलब क्या 3 बिट का आंसर देना चाहता हूँ, क्योंकि तो ये 3 बिट में है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी 3 बिट में आंसर दे दूँ, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, पॉइंट के बाद 4, 1, 3 इन टल। कुछ भी नया, कुछ भी ज़्यादा, जो पिछले मेहनत करके आए हम लोग, है ना, पहले 2 स्लाइड में जो मेहनत किए वही है कि हम लोग इसको क्विकली कर पा रहे हैं। ये हम लोगों ने समझा, ये हम लोगों ने समझा, बस क्या था 2 वाले बेस के साथ था, ये 8 वाले बेस के साथ है। वैसे ही हेक्साडेसिमल में करेंगे तो यू पीपल आर स्मार्ट इनफ, क्या होगा, क्या होगा, यहां पर इनटू 16 से होगा, यहां पर डिवाइड 16 से होगा, कुछ भी नया, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, है ना। अगेन मैंने आपको पहले भी बोला, हम लोग को फालतू चीजें मगअप नहीं करनी है, जिसमें मेहनत करना है वो आपको पहले से बताऊंगा कि हाँ मेरे को इसमें मेहनत करके देना है, उसके पीछे उसके आगे से कोई मतलब नहीं हमको, ठीक है ना। चलो देखो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल क्या करेंगे, यू पीपल आर वेल एंड स्मार्ट इनफ इसको आंसर करने के लिए क्या करेंगे, 4768 डिवाइड बाय क्या भाई 16, क्यों कि बेस है 16, है ना। ये आएगा रिमाइंडर क्या भाई 0। ओके रिमाइंडर क्या 10, रिमाइंडर क्या खत्म हो गया क्वेश्चन, कुछ भी था, कुछ भी था नया, कुछ भी नहीं। टॉप टू बॉटम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे 1, 2, अच्छा 10 को कैसे लिखेंगे, अगर मैं इस टाइप से 10 लिख दूं तो ये 10 तो ट्रीट नहीं होगा, वरना तो इसको मेरे को 12 ट्रीट करना पड़ेगा ना, 1210 हो जाएगा, क्या होगा। हेक्साडेसिमल हम लोग 10 कैसे लिखते हैं, हेक्साडेसिमल में हम लोग 10 लिखते हैं ऐसे, ए लिखते हैं कि नहीं, है ना। 11 कैसे लिखते हैं भाई, 12 कैसे लिखते हैं भाई, वैसे ही अप टू 15 कैसे लिखते हैं, ये आपको याद होना चाहिए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, है ना, एक रेडी रेफरेंस आपके पास ये होना चाहिए। सो 1, 2 और ये ए 0 किसमें कन्वर्ट हो गया, हेक्साडेसिमल में, कुछ भी नया नथिंग। आगे अच्छा मैंने आपको डेसिमल से हेक्साडेसिमल में करके दिखाया, है ना, मैंने कोई फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन यहां पर डील नहीं किया आपसे, ठीक है। इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि ये सेम होगा, मान लो मेरे पास कोई नंबर है, इस टाइप से कोई नंबर है डेसिमल है, मेरे को बोलेगा हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करूं, तो अब तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम लोग इसको कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे भाई। एक मैं आपको करके दिखा दूं, 2 क्या 16, जो कुछ भी आएगा उसको छोड़ के इस वाले को फिर से इंटू करेंगे, जो कुछ भी आएगा इंटू 16 चलता जाएगा, टॉप टू बॉटम लिख देंगे, ठीक है। तो ये कराने की मेरे को नहीं लगता कोई नीड है, है ना, सिर्फ लेक्चर लंबा होगा और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। चलो अच्छा ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल फिर वही चीज़, है ना, दोनों भाई भाई हैं अपने में, कैसे, एक का होता है 2 to the power 3, एक का होता है 2 to the power 4। फिलहाल क्या दिया हुआ है, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल है ना।
अच्छा ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल दिया हुआ है, क्या करूं भाई? पहले तो मैं इसको लिख लूं तीन तीन बिट में इंडिविजुअली, मतलब कहने का मतलब यह है कि मेरे पास ना कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है ऑक्टल को हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करने का, है ना। मेरे को पहले ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऑक्टल को मैं बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करता हूं? फर्स्ट ऑक्टल से बाइनरी में जाओ, है ना, फिर बाइनरी से हेक्सा में जाओ। ये है भाई इसका एल्गोरिथम। अच्छा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, है ना। ये आगे बाइनरी से मेरे को हेक्सा में कन्वर्ट करना है, तरीका पता है क्या है? चार का ग्रुपिंग। अब यहां पर क्या हुआ, एक वन रह गया, तो मेरे को तीन जीरो पैड करना पड़ेगा और एक इसका ग्रुप बना दिया मैं। क्या आंसर आएगा? वन 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 वन, मतलब क्या? फिफ्टीन। फिफ्टीन को हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं भाई? एफ। और वन वन जीरो वन, वन वन जीरो वन का मतलब थर्टीन, है ना। थर्टीन को हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं भाई? टेन को ए लिखते हैं, इलेवन को बी लिखते हैं, ट्वेल्व को सी लिखते हैं। तो थर्टीन को, थर्टीन को क्या लिखेंगे? डी। ये आ गया डी, ठीक है। आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा कि हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो चुका है। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल समझ में अगर आ गया तो इसी का भाई है भाई हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, है ना। अब हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल भी डील कर लेते हैं। थोड़ा सा चेंज है, स्लाइट मॉडिफिकेशन है। क्या है वो? इस वाले एल्गोरिथम में हम लोग क्या फॉलो किया था कि इसका भी कोई डायरेक्ट एल्गोरिथम नहीं था ना, है ना। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल को हम लोग डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते थे। सिमिलरली हेक्साडेसिमल को ऑक्टल भी हम लोग डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्या करना पड़ेगा? अगर हेक्साडेसिमल में है कुछ तो उसको पहले हम लोग को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। प्रोसेस समझ में अगर आ गया तो इसको अगर हम लोग चार बिट में लिखें, थ्री को अगर मैं फोर बिट में रिप्रेजेंट करूं तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। फोर को और एफ को, एफ मतलब फिफ्टीन, फिफ्टीन मतलब क्या? ये कन्वर्ट हो गया भैया किसमें? बाइनरी में, है ना, बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब बाइनरी से ऑक्टल जाने का तरीका तुमको पता है ना क्या होता है? ट्रिपलेट्स बनाने होते हैं। कहां से शुरू करके? राइट से लेफ्ट जाते हुए। कैसे होगा भाई? पहला ट्रिपलेट, दूसरा ट्रिपलेट, तीसरा ट्रिपलेट और ये है भैया हमारा चौथा ट्रिपलेट, है ना। ओके क्लियर इनफ। बस अब क्या है, चेंज कर दो इसको। वन फाइव वन और ये क्या है भाई? सेवन, है ना। बेस क्या? ऑक्टल। फाइनल आंसर क्या मिल गया भाई हम लोग को इसका? वन फाइव वन सेवन। तो ये था हमारा आज का इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, है ना। फाइनली सब कुछ कंप्लीट करते हुए सारे कन्वर्जन्स हम लोगों ने देख लिए हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन से डील कैसे करना है वो हम लोग समझेंगे। अब कैसे समझेंगे भाई? कुछ गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, है ना। नेक्स्ट वीडियो हमारा प्योरली डेडिकेटेड टू क्वेश्चन होगा और मेरा यही मोटिव है कि आपको पेन चलाना आ जाए, है ना, क्वेश्चन में। वो तो आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, क्या करते हैं, वो तो आप पे डिपेंड करता है, बट आपको अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को वो आपको समझ में आना चाहिए, ना। अगेन कैलकुलेशंस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है एग्जाम में। अप्रोच एंड कंसेप्ट पे अच्छे से ध्यान देना है, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलो सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ओके।